हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज मेवात में हजारों रोजेदारों को दावते इफ्तार कराई। इफ्तार पार्टी का आयोजन अनाज मंडी में किया गया। इस खास मौके पर डिप्टी सीएम ने मेवात को खास तोहफा भी दिया। अपने संबोधन में डिप्टी सीएम दुष्यंत ने कहा कि मेवात जिले के लिए जल्द ही विश्व स्तरीय आर्ट्स विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। दुष्यंत ने कहा कि जमीन उपलब्ध होते ही इस दिशा में सरकार तेजी से कदम बढ़ाएगी। सीआरएफ के जो सेंट्रल फंड आते हैं रोड्स के, उसके अंदर वो प्रोजेक्ट पेंडिंग है और पिछले दिनों नितिन गडकरी जी से भी हमने मुलाकात कर ये मांग करी है कि जल्द वो फंड रिलीज हो कि उसका कंस्ट्रक्शन का काम तुरंत हम शुरू करें। रोजका मेव की जो हमारी आईएमटी सोना है उसके अंदर अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने 500 करोड़ रुपए इलेक्ट्रिक अप्लायंस हब के लिए हमें स्टेट गवर्नमेंट को मंजूर करे हैं और मैं मानता हूँ एक बहुत बड़ा फ़ायदा इस इलाके को होगा, क्योंकि आज बैटरी मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत बड़ा यूनिट यहाँ पर ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन में है और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे जैसे साथ आएंगे तो इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज़ का एक बहुत बड़ा हब मेवात का ये क्षेत्र बन सकता है। और साथ में जो दिल्ली मुंबई वाया वडोदरा हाईवे बन रहा है उसके अंदर भी हम NHAI से चर्चा में है कि जल्दी मिलकर हम लैंड दोनों NHAI और स्टेट मिलकर ले कि एक बहुत बड़ा वेयर हाउसिंग क्लस्टर भी NHAI की मदद से इस इलाके में बने कि वेयर हाउसिंग के माध्यम से सेग्रीगेशन की तरीके से ज़्यादा रोजगार यहाँ पर मिले। यूनिवर्सिटी का जिसके अंदर प्रदेश सरकार ने एक ही यूनिवर्सिटी घोषित करी है और वो मेवात की जनता के लिए नई यूनिवर्सिटी हम बनाने का काम करेंगे। डिप्टी सीएम ने कहा कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के साथ लगते इलाकों में लॉजिस्टिक हब बनेगा, जिससे उद्योग और व्यापार जगत से जुड़े लोग बड़ी तादाद में मेवात जिले की तरफ रुख करेंगे और मेवात का तेजी से विकास हो पाएगा। पावन महीने में दावत इफ्तार देना मैं मानता हूँ बहुत नेक काम है और चौधरी देवीलाल जी के समय से लेकर आज तक निरंतर दावत इफ्तार मेवात के लोगों के साथ हम मनाते रहे हैं। बिल्कुल समय कोविड की वजह से पिछले 2 साल ऐसा था कि दावत जो हम देते थे इफ्तारी की वो यहाँ पर नहीं हो पाई, मगर मेरी खुशनसीबी है कि मेवात के लोगों के साथ आज फिर ये पावन अवसर बनाने का मौका मिला और परमात्मा यही शक्ति दे कि अगले अब 4 पीढ़ियों तक हम निभाते आए हैं और आने वाली 4 पीढ़ियों तक भी इसी तरीके से हम लोगों के बीच में इस पावन महीने को और इस पावन दावती इफ्तारी को बनाते रहे। डिप्टी सीएम ने कहा कि हरियाणा के मेवात जिले में मेडिकल कॉलेज आयुर्वेदिक कॉलेज का निर्माण चल रहा है। उन्होंने कहा कि मेवात जिले के विकास में केंद्र और राज्य सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मेवात जिले से उनके परिवार का चौधरी देवीलाल के समय से गहरा संबंध रहा है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि ये रिश्ता और मजबूत होगा, इसीलिए उन्होंने इस इलाके में दावत इफ्तार पार्टी दी है। मेवात से AK बघेल, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।